हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डन लॉग। और फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडुला की प्रूनिंग करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है मेरे कैलेंडुला में, और इसका रीज़न यही है कि मैं इसकी लगातार प्रूनिंग करती रहती हूँ, इसकी डेड हेडिंग मैं करती रहती हूँ। देखिए, ये मैंने स्पेंट अप फ्लावर अपना काट के अलग कर दिया है, और देखिए यहाँ से जहाँ से भी ये दूसरी ब्रांच निकल रही है उसके पास से हम अपने इस मुरझाए हुए फ्लावर को काट के अलग कर देंगे। देखिए, इसकी भी मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले प्रूनिंग की थी, और ये भी फ्लावर मेरा स्पेंट अप हो चुका है, मुरझा चुका है, तो इसे भी मैं काट दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें सीड्स भी बनने लगे हैं, और अगर मैं इसे काटती नहीं तो प्लांट की सारी एनर्जी सीड्स बनाने में ही लग जाती है। तो आप अपने फ्लावर्स को, जो भी आपके सूख जाते हैं फ्लावर्स और मुरझाने लगते हैं, तो आप उन्हें काट दिया करें ताकि प्लांट की सारी एनर्जी और बर्ड्स और फ्लावर्स बनाने में लगे। अगर आप इसे नहीं काटेंगे तो प्लांट की सारी एनर्जी इन सीड्स को मैच्योर करने में लग जाएगी और आपका प्लांट डल होने लगेगा। तो देखिए, ये अभी अच्छे से मैच्योर नहीं हुए हैं सीड्स। और फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा प्लांट है कैलेंडुला का, ये भी देखिए काफ़ी ख़राब हो चुका है, ये स्पेंट अप हो रहा है, मुरझा रहा है। अब काफ़ी दिनों से ये खिला हुआ था, देखिए हाथ लगाते ही इसके पेटल्स अपने आप ही झड़ती जा रही हैं। काफ़ी दिनों से ये खिल रहा है, और अब इसे भी मैं काट के अलग कर दूंगी। देखिए, जहाँ से भी दूसरी स्टेम निकलती है उसके पास से ही आप 1 इंच का जो है एरिया उसे छोड़ के और वहाँ से आप काट दें। तो देखिए, इसकी भी मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले प्रूनिंग की थी, और देखिए कितनी सारी बर्ड्स आने लगी हैं इस प्लांट में। तो जो प्रूनिंग है वो काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देती है, सारे ही फ्लावरिंग प्लांट में काफ़ी सारी बर्ड्स आती हैं। अगर हम लगातार डेड जो फ्लावर्स हैं, स्पेंट अप जो फ्लावर्स हैं, अगर हम उन्हें काट के अलग करते रहें तो लगातार बर्ड्स वगैरह आती रहती हैं आपके प्लांट्स में। देखिए, इनकी भी मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले कटिंग की थी, यहाँ से काट के अलग कर दिया था, यहाँ पे ये फ्लावर्स खिला हुआ था इन स्टेम्स में, तो ये भी मैंने काट के अलग कर दी। और देखिए, इसके बाद से प्लांट की सारी ताकत बर्ड्स बनाने में लगी हुई है, और देखिए कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं इस सारे में। तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट होता है अगर आप लगातार डेड हेडिंग करते रहते हैं अपने सूखे हुए फ्लावर्स की। देखिए, यहाँ भी छोटी छोटी कितनी सारी बर्ड्स निकलने लगी हैं, और यहाँ से ये अलग से ब्रांच निकली। और फ्रेंड्स, जब आप लगातार प्रूनिंग करते रहते हैं, अच्छे से इसे सनलाइट में रखते हैं और अच्छे से फर्टिलाइज़र देते रहते हैं और गुड़ाई वगैरह टाइम से करते रहते हैं, तो आपका जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, उसमें खूब अच्छे से बर्ड्स और फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, आप समय समय पे जितने भी आपके सूखे हुए फ्लावर्स हैं आप उन्हें हटाते रहें, और ये छोटी छोटी चीज़ें आप करते रहें आपके प्लांट्स में, ताकि आपका प्लांट्स हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रो करे और उसमें अच्छे से बर्ड्स और फ्लावर्स आते रहें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों से ही प्लांट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।